यहाँ से यमुनानगर के ही परमिंदर कौर लेडी और गुरप्रीत उसके हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व थे। वो ऐप है उसमें अपनी फर्जी नाम से मैं आईडी बनाई, तो फ्रेंड को जियो को उसने बीमार दिखाया कि बीमार है उसके लिए पैसे चाहिए, तो पहले 5 लाख रुपए लिए। हमारे यहाँ 927 नंबर मुकदमा दर्ज है सिटी यमुनानगर में, तो हमें मार्क किया गया कि उसको ट्रेस करना है, तो उसमें हमें जो ट्रेस करते करते पता लगा कि यहाँ के यमुनानगर के ही परमिंदर कौर लेडीज और गुरप्रीत उसके हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व थे। इनकी जो कार्यशैली थी वो थी कि एक बीगो ऐप है उसमें अपनी फर्जी नाम से उन्हें आईडी बनाई और बिहार के एक लड़के को उसको फ्रेंड बनाया, फ्रेंड बना के आगे दो आईडी और बनाई जिया और शिवानी के नाम से कि वो भी मेरी फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड को जिया को उसने बीमार दिखाया कि बीमार है उसके लिए पैसे चाहिए, तो पहले 5 लाख रुपये लिए। फिर शिवानी की डेथ दिखा दी कि शिवानी की डेथ हो गई है, उसके नाम पे उन्होंने उसकी वसीयत दिखाई कि उसकी वसीयत जो है वो जिया के और बिहार के लड़का जिसका ठगी हुई है उनके नाम कर दी, बट उसको क्लियर करने के लिए 20 लाख रुपये और चाहिए, तो उन्होंने 20 लाख रुपये और रहते और उससे फ्रेंडशिप रखी। बाद में वो पैसा इन्होंने अपनी उससे कुछ प्रॉपर्टी और कुछ और चीज़ें ली हैं, वो हम आज इनसे रिकवर करेंगे। सर इसका खुलासा कैसे हुआ? इसका हमने जांच की, तो जांच में उसकी जो आईडी का वेरीफाई करके सारी आईपी वगैरह ली और वहाँ तक पहुँचे। ये बीगो ऐप के थ्रू टच में आया और इससे फ्रेंडशिप फर्जी नाम से अपना आईडी बना के उसमें रिलेशन वो 25 लाख तक दे चुका था, उसके बाद उसको पता लगे कि पैसे जा चुके हैं अच्छे खासे, और उसके बाद दो और डिमांड की गई उससे पैसे की, तो उसने देने से मना करा। ना ही उसने कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल करें या मेरे साथ एक बार शेयर करें, फोटो शेयर करें, उसने नहीं करी। तो इस पत्नी को विरासत मिल ली? हाँ, पति पत्नी दोनों को अरेस्ट कर लिया और उनको रिमांड दिया, 3 दिन का रिमांड लिया हमने, और आगे उनसे पैसे रिकवर करेंगे, जो प्रॉपर्टी लिए वो भी अटैच करेंगे।